ही हेलो दोस्तों, नियाज किचन मिला में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं फिर से छत पर और आप देख सकते हैं कि आज छत पर क्या नई सब्जी आई हुई है। तो आप सोच रहे होंगे सर्दियों में करेले, तो ये वाली जो बेल है हमारी वो थोड़ा सा सीजन से थोड़ा सा लेट लगा था। इसे हमें लास्ट मार्च अप्रैल तक लगा देना चाहिए था, लेकिन हमने इसे थोड़ा सा लेट बनाया था, तो इस पर फ्रूट्स भी लेट आना स्टार्ट हुए हैं, जिसकी वजह से इस पर सर्दियों में भी करेले अच्छे खासे आ रहे हैं। तो चलिए आज कुछ करेलों को तोड़ लेते हैं सब्जी के लिए, और उसी के साथ आज हमारे किचन में बनने वाला है एक बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही झटपट केक, जो सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में तैयार हो जाएगा। एंड ये आपके पास यदि कोई भी स्पून नहीं है या कुछ भी नहीं है, मेजरिंग स्पून नहीं है, तब भी आप इसको स्टील की चम्मच से भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। एंड इसका जो भी सामान है वो मोस्टली आपको घर पर कभी भी मिल जाता है। तो क्या है, एक बड़ा सा टुकड़ा चॉकलेट का ले लें, ये देखिए। इसके अलावा यहाँ पर 1.5 चम्मच बटर लेना है। ये जो चॉकलेट है ये मैंने प्योर चॉकलेट लिया है, मिल्क चॉकलेट वगैरह नहीं लिया है, लेकिन यदि आपको नहीं मिल रही है तो आप ले सकते हैं मिल्क चॉकलेट। 2 चम्मच मैदा है, 1 चम्मच दूध है और 1.5 चम्मच चीनी है। इसी के साथ चुटकी भर है नमक और जो 1.5 चम्मच है वो बटर है। तो बहुत ज़्यादा ही आसान रेसिपी है, ये देखिए, 2 चम्मच मैदा, 1.5 चम्मच बटर, चुटकी भर नमक, ये सब कुछ एक साथ ही हम, ये देखिए बटर और दूध को मैंने इसलिए मिक्स कर लिया पहले साथ में, जिससे बटर हमने मेल्ट नहीं किया था और चीनी भी हमने नहीं पीसी है, 1.5 चम्मच चीनी है। तो बहुत आसान हो जाएगा। अब इसे हम एक बार फेंट लेंगे, तो ये देखिए कुछ इस तरह से फिट कर एक साथ मिक्स हो गया है। हमने इसमें केवल 1 चम्मच दूध मिलाया था और इस वाली स्टेज पर हम यहाँ पर बस चुटकी भर डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालना है, केवल केवल बेकिंग पाउडर डालना है। इसके बाद 4-5 चम्मच दूध और डाल दीजिए। दूध डालते समय बस आपको एक बात याद रखनी कि दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, दूध ना तो ठंडा होना चाहिए ना ही गर्म होना चाहिए। एंड इसमें 4-5 चम्मच दूध आपको किस तरह से डालना है मैं दिखाती हूँ आपको, कि आप दूध को डालकर एक बार मिक्सी और चला लीजिए तो इजी हो जाएगा। एंड एक हम यहाँ पर पेपर लगा लेंगे और इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और ये मिनी केक इसलिए है क्योंकि इसे मैं प्रॉपरली आपको ना एंड में दिखाऊंगी कि ये मिनी केक क्यों है। तो देखिए इसमें आपको दूध इस तरह से डालना है कि इसकी कंसिस्टेंसी आपको इस तरह से दिखने लगे। आप छोटा सा आप कोई भी टिफिन या टिफिन का जो बॉक्स होता है छोटा वाला, आप उसे यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। अब बस इसमें कट करके हम थोड़ा सा चॉकलेट डाल देंगे। और ये ऑलमोस्ट बस रेडी है। इसे हम 1 मिनट के अंदर कैसे पकाएंगे, ये देखिए, इसे अच्छे से टैप करें। ये है माइक्रोवेव, तो इसे हम रखेंगे माइक्रोवेव में। और आपको टाइमिंग कितनी लगानी है, बिल्कुल आपको लगानी है 1 मिनट 15 सेकेंड, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगानी आपको। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में हमारा केक कितना ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए। मैं आपको टूथपिक डालकर दिखाती हूँ। पहले टूथपिक चॉकलेट वाली जगह पर आ गई थी, तो चॉकलेट तो इसके अंदर मेल्ट हो गई हल्का सा। ये परफेक्टली बेक हो गया है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड इसे मिनी केक हमने इसलिए बोला है, यदि आप किसी की बर्थडे पर भी यदि इसको बनाना चाहें ना इंस्टेंटली, तो आप इसको इमीडिएटली तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजीली डीमोल्ड हो जाएगा इस तरह से, ये देखिए। और इस पर आप एक कैंडल रखिए बीच में,
एंड इसकी साइड की जालियाँ देखकर आप पता लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये। तो क्रिसमस भी आ रहा है, आप इस तरह का केक यदि ट्राई करना चाहें तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा है। थैंक यू।